हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त टेक्निकल नवाब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OLX के बारे में। जी हाँ, कि अगर हमारे OLX एप्लीकेशन पर हम कोई सामान बेचना चाह रहे हैं और वो ऐड डट नहीं रही है, अकाउंट डिलीट हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले कि किस तरह से आप अपनी OLX पर पोस्ट डाल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी OLX पर जो पोस्ट डालोगे उसे कंटिन्यू लाइव रख सकते हैं, किस तरह से जो आप अकाउंट बनाओगे उसे एक्टिव रख सकते हैं। जी हाँ, हो रहा क्या है कि कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ जगहों पर क्या होता है कि जैसे ही हम OLX का अकाउंट क्रिएट करते हैं, OTP लगाते हैं, OTP लगाने के बाद OLX का अकाउंट जो है कि ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है भैया, चाहे हम उस पर ऐड डालें या ना डालें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ जगहों पर क्या हो रहा है कि अगर अकाउंट कुछ टाइम के लिए डट भी जाता है, सपोज़ हम उस पर अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सेल करते हैं, पोस्ट डालते हैं, ऐड डालने के कुछ टाइम बाद या तो हमारी ऐड जो है रिजेक्ट हो जाती है या फिर हमारी जो ऐड है वो रिमूव हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम सारी बातों का खुलासा करने वाले, क्यों आपकी ऐड रिमूव हो रही है, क्यों आपका अकाउंट रिमूव हो रहा है, कौन है भैया, अपने आप हो रहा है या कोई कर रहा है या कोई करवा रहा है। तो आज की इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है OLX के बारे में, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। OLX जैसे कि इन दिनों में OLX फ्रॉड के मामले में चर्चे में है। OLX के ऊपर जितनी भी एड्स है उसमें से मैं मोस्टली 50% हम बोल सकते हैं 50% जो एड्स जो प्रोडक्ट OLX पर बेचा जा रहा है वो फ्रॉड बेचा जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रॉड बेचा जा रहा है। एंड सेकेंड नंबर की हम बात करें तो गाइज, ना वो सामान होता है और ना उनके वो बेचना चाहते हैं, जो भी कुछ करते हैं फ्रॉड करते हैं। गाइज कि सपोज़ अगर आप एक बाइक ख़रीदना चाहते हैं, अगर फ्रॉड ऐड पर आपने पोस्ट देखी, पोस्ट पर प्राइस बहुत कम देखा, टुडे पोस्ट देखी और आपने उससे कांटेक्ट किया, तो वो भैया आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने को बोलेंगे या फिर आपको कुछ पिक्चर्स सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर देंगे गाड़ी के, बट जो प्रोडक्ट आप बुक करोगे वो आपसे बोलेंगे कि आप हमें ऐसा करिए, मैं आपको बाइक कोरियर सेंड कर देता हूँ, मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मैं मेरी ड्यूटी अभी जो है शिफ्ट हो गई है वहाँ से वहाँ के लिए, तो मैं जल्दी में हूँ, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेरे पास आओ या मैं आपके पास गाड़ी पहुँचाऊँ, तो ऐसा करिए मैं आपको कोरियर कर देता हूँ आज ही, आप मुझे अभी इतने पैसे सेंड कर दीजिए, मैं बाय डाक इंडियन आर्मी आपको पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप इतने पैसे दे भी देते हो तो वो आपको झूठी एक रिसिप्ट बना के देते हैं डाक पोस्ट की। उसमें क्या होता है गाइज कि ना तो वो ओरिजिनल ट्रैकिंग नंबर होता है ना कुछ, वो फ्रॉड रिसिप्ट होती है एज ए एडिटिंग और उसमें आपको लूट लिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी हम बात करते हैं मुद्दे की ओर कि आज वो कौन सी एप्लीकेशन है जिस पर आप अपना फ्रॉड सामान नहीं, जो रियल सामान है वो बेच सकते हैं। जी हाँ, अगर ये वीडियो फ्रॉड लोग देख रहे हैं तो देखो, वो फ्रॉड के लिए नहीं है, मेरा इंसेंटिव ये नहीं है कि इससे फ्रॉड होगा। देखो, मोस्टली क्या है कि फ्रॉड इस वीडियो के ज़रिए नहीं होगा, क्योंकि जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो एक एप्लीकेशन OLX का ही पार्ट है। जी हाँ, OLX से ही आप सामान बेच सकते हो, ख़रीद सकते हो और आपका जो अकाउंट है वो भी डाट सकते हो, एक्टिव रख सकते हो, और आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नवाब पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नवाब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा भैया, अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा, जैसे कि हमारा प्ले स्टोर पर हम जैसे ही ओपन करते हैं, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली शुरुआत से दिखाता हूँ। यहाँ पर आगे हमारे पास सर्च बॉक्स में जैसे कि मैंने ऊपर ट्रेंडिंग में डाला हुआ बेस्ट बाइक सेल, तो मैं यहाँ पे अगेन डाल देता हूँ बेस्ट बाइक सेल। देखिए गाइज, मेरे ऊपर मैंने पहले से सर्च किया हुआ था तो मेरे पास रिसेंट सर्चेज में आ गया, बट आप सर्च करिए, उसके बाद देखिए जो पहला वाला आता है सर्च, ये बेस्ट बाइक सेल एंड बाइक, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी रेटिंग 4.6 की है, 4.6 रेटिंग स्टार है, मैं इसे रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ और इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मैंने उठाया है। मेरे को अपने एक फ़ोन को बेचना था, मैं इस साइट के ज़रिए अपने फ़ोन को बेच पाया हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से फ्रॉड से बच सकते हैं। जी हाँ, किस तरह से पहचाने कि ये प्रोडक्ट जो आप OLX पर देख रहे हो ये फ्रॉड है या रियल है। जी हाँ, अगर आपने मेरी पहली वाली फ्रॉड वीडियो नहीं देखी OLX के ऊपर जो मैंने बनाई थी, OLX फ्रॉड
तो वो आप मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाल सकते हैं किस तरह से मेरे साथ खुद मेरे साथ प्रैक्टिकली स्कैम करने की कोशिश की गई थी भैया। तो देखिए हम यहाँ से एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर ली, उसके बाद ओपन करते तो अब यहाँ पर आता है टॉप हेल्थ टू। जी हाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आप फर्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ एड्स वगैरह आएंगी, आपका जो OLX है वो नहीं खुलेगा। मेरे पे टॉप टू पे खुल रहा है गाइज, आपका हो सकता है फर्स्ट पे खुल जाए या सेकंड पे खुल जाए। तो देखिए गाइज यहाँ से हमारे पास आ गया OLX, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर OLX का देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइज मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो अकाउंट है वो ये मेरा अकाउंट नहीं, मेरे दोस्त का अकाउंट था सॉरी, जो कि मेरा अपने नंबर का अकाउंट था वो मैंने OLX की जो प्रॉपर एप्लीकेशन है उस पर अकाउंट लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली उड़ गया था, मुझे बहुत सारी कन्फ्यूज़न हुई कि मेरा अकाउंट क्यों उड़ा है, क्या हो गया, जबकि मैंने तो कुछ ऐड भी नहीं डाला है ना कुछ स्कैम है या कुछ भी नहीं, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट जाता वो रिमूव हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना, तो बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं OLX पे, जो कि अपना सामान बेचना चाह रहे हैं और उनका जो अकाउंट है वो डट नहीं रहा है, एक तरह से ऑटोमेटिकल रिमूव हो रहा है। तो देखिए गाइस ये मेरा एक फ्रेंड है उसका अकाउंट है। तो देखिए पहली बात तो ये, जैसे कि सपोज़ अगर आप यहाँ पर अकाउंट बनाते हो तो आपको करना क्या होगा, 4 स्टेप 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। अभी मैंने भी यहाँ पे किया हुआ है, वो किया हुआ नहीं है क्योंकि जो भी अकाउंट है उसी का है, मैंने उसी से लिया हुआ है उसी के नंबर से। तो इस वजह से आपको करना क्या है कि कुछ ईमेल लगा देना है, अपना फ़ोटो लगा देना है, अपना नाम लगा देना है, 3-4 स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे तो उससे जो OLX एप्लीकेशन है उसको कन्फर्म हो जाएगा कि जो बंदा OLX यूज़ कर रहा है वो उसका ओरिजिनल यूज़र है, कोई फेक यूज़र नहीं है। पहला पॉइंट तो ये गाइज। उसके बाद अब हम बात करते अगर आप ये सब डिटेल्स अच्छे से फिल करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं होगा, मेरी गारंटी है वो डटा रहेगा। आप कहीं पर भी हो तो आपका जो अकाउंट है वो उड़ेगा नहीं, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, क्योंकि जो OLX एप्लीकेशन है वो किस तरह से किस बेस पे रिजेक्ट करती है मैं आपको वो भी आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप OLX पर खाली किसी का भी नंबर का OTP लगाते हो और OLX अकाउंट बनाते हो उसके बाद डायरेक्ट पोस्ट डालते हो तो आपका OLX अकाउंट जो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि OLX को कंफर्म नहीं है कि जो आप अकाउंट चला रहे हो वो आप ही का अकाउंट है या फिर किसी और के नंबर से आपने OTP चुरा कर अकाउंट बनाया है। पहली बात तो ये, अगर आप अपनी ईमेल आईडी लगा दोगे, फ़ोन नंबर लगा दोगे, नाम लगा दोगे, फ़ोटो लगा दोगे, अगर ये 4 ऑप्शन आप अपने OLX पर डाल दोगे तो OLX को कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका ओरिजिनल अकाउंट है और आप इसके ओरिजिनल यूज़र हैं, तो आपका इस तरह से तो अकाउंट बचा रहेगा, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं कि आपकी जो पोस्ट है जो ऐड है, तो देखिए गाइस मैंने अभी तक कोई ऐड डाली नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में आज एक ऐड डाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐड डालते तो देखिए यहाँ टॉप टू पर हमने जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज़, कार, फर्नीचर जो भी OLX पर बेचना चाहते हैं वो सेम यहाँ से आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐड में मैं आपको बता देता हूँ ऐड में आपको क्या करना होगा कि किस तरह से आपकी जो ऐड है वो लाइव होगी और डटी रहेगी। सपोज़ आप एक KTM बाइक बेच रहे हो, अगर आप एक KTM बाइक बेच रहे हो उसका मॉडल है वो कितने किलोमीटर चली हुई है उसके हिसाब से जो उसका जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, जो जेन्युइन रेट होना चाहिए उसका, वो जेन्युइन रेट डालिए गाइस। सपोज़ देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 2013 बाइक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये है होंडा की, ठीक है, 2013 मॉडल है, 29,500 किलोमीटर चला है और ये 45,000 रुपये में, जो कि इसका जेन्युइन राइट प्राइस होना चाहिए इतना ही, क्योंकि 2013 मॉडल का इतना लगभग प्राइस होगा। अब चाहे आप क्लाइंट से आप बार्गेनिंग करो या ना करो वो आपकी हेडेक है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, OLX को कंफर्म हो जाएगा कि इस प्राइस में जो है कि हाँ इतने का ही इतना मॉडल इतने का ही लगभग जा सकता है और ये इसका एक जेन्युइन रेट, पहली बात ये गाइस, ठीक है, रेट का हो गया। एंड सेकंड हम बात करते हैं जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स डालें, देखिए ब्रांड है, मॉडल है, एयर है और किलोमीटर ड्राइव है, तो गाइज ये एक तरह जो भी राइट इन्फॉर्मेशन है ना जो करेक्ट है वो ही डालें, कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है, कितना चला हुआ है, क्या माइलेज है, जो भी है, और डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर नहीं डालें, ठीक है गाइज। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर नहीं डालना है। तो यहाँ इतना कुछ डालने के बाद अब हम बात करते हैं फ़ोटोज़ की, तो आपको फ़ोटोज़ डालना है। फ़ोटोज़ गाइज
याद रखें जो भी यहाँ पर अपलोड करें उस पर कहीं पर इस तरह का OLX का टैग ना हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो OLX का टैग ना हो। जो ये OLX का टैग अभी अभी बना हुआ है, ये क्या है कि अब जब आप पोस्ट OLX पर डालोगे, पोस्ट एक्टिव लाइव होने के बाद, एड लाइव होने के बाद OLX का टैग लगेगा आपके फ़ोटो में साइड में। अगर आप फ़ोटो डाल रहे हो, आप गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, तो ये चेक कर लीजिए अपने फ़ोन में कि जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हो कहीं उस पर साइड में OLX का टैग तो नहीं लगा हुआ है। अगर OLX का टैग लगा हुआ है भैया, तो OLX समझ जाएगा कि जो फ़ोटो है ये कहीं से चुराया गया है, या फिर ये पहले भी प्रोडक्ट OLX पर डाला गया है, दोबारा डाल रहे हैं इसको। इस वजह से जो आपकी पोस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आप लाइव नहीं हो पाओगे, ठीक है। सेकंड नंबर की हम बात करते हैं गाइज। देखिए मैंने जो पहले, हाँ सॉरी, पहले बात की थी सेलर डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आपको अपनी राइट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे लाइक ईमेल आईडी लगाना है, नंबर लगाना है, नाम लगाना है और फ़ोटो लगाना है। तो देखिए गाइज, अभिषेक घोषल जो कि मैंने पहला बताया था, आपको नाम अपना जेन्युइन नाम रखना है। अगर आप OLX पर एक नया अकाउंट बनाते हो तो उस पर आपका नाम नहीं आता है गाइस, डायरेक्ट यूज़र डॉट डॉट और नंबर्स वगैरह कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आपको एडिट करने के बाद प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, ठीक है गाइस। यहाँ तक का सारा मुद्दा जो है वो क्लियर हो गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, बट आपको एक रियल जानकारी दे रहा हूँ जो कि अभी तक शायद मैंने किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गाइज कि आप OLX पर किस तरह से पहचाने कि ये एक फ्रॉड है और ये बाइक फ्रॉड है या स्कैम है। तो देखिए गाइज, हम उसकी भी आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले। जैसे कि सपोज मुझे बाइक लेनी है KTM, मैं यहाँ पर जैसे कि मैं डालता हूँ KTM, आपको बाइक लेनी है KTM, तो यहाँ पर हमने डाला KTM, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, देखिए गाइस, जो कि KTM बाइक, जबकि KTM बाइक का प्राइस 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, सबको पता है। और यहाँ पर KTM बाइक का प्राइस डाला हुआ है 28,000। आप सब लाइव देख रहे हो, मैं क्योंकि कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल लाइव चल रहा है। 2014 मॉडल है KTM ड्यूके 200, ठीक है, जो कि 12,000 किलोमीटर चला है और उसका प्राइस भैया जो है वो 28,000 है। और यहाँ ऊपर डाल रखा है नंबर। पहली बात तो ये नोट करके रखे गए, जिस भी फ़ोटो के ऊपर आपको नंबर एडिट मिलना है वो एक तरह से फ्रॉड है, स्कैम है। उस वाले पे आप बिल्कुल भी क्लिक करके ना देखें, ठीक है गाइस। वो एकदम बिल्कुल मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, 100% वो फेक है, ठीक है। एंड सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, जिसका प्राइस सस्ता हो। अब देख लो यहाँ पर सेकंड नंबर बात करते हैं KTM के, ये 16 मॉडल है जो कि 15,000 किलोमीटर चला है, इसका प्राइस जो होने वाला है भैया 30,000 रुपये प्राइस होने वाला है, ठीक है। और ये ऊपर नंबर, अभी आपके सामने जस्ट लाइव दिखा रहा हूँ गाइज, मैं कोई एडिटिंग नहीं दिखा रहा हूँ। और देखिए मैं आपको यहाँ पर, ये पहली बात हो, ठीक है, जो कि प्राइस को लेके होगा। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर कहीं भी नंबर डाला हुआ है बाइक के फ़ोटो पर या डिस्क्रिप्शन पर, तो गाइस समझ जाओ आप उसी से कि ये फ्रॉड है, आप उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे कि आप जो भी किसी को नंबर दे या ले, तो उसे अगर आप अपना कोई सामान सेल कर रहे हो और वो आपसे उस सामान को कोई भी ख़रीदना चाहता है, मान के चलिए कोई आपसे सामान ख़रीदना चाहता है, वो आपको चैट बॉक्स में आकर नंबर देता है कि कैन यू सेंड मी सम फ़ोटोज़ योर आइटम इन माय व्हाट्सएप प्लीज़, तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स। तो मतलब आप ये डायरेक्ट याद रखना कि आपकी जो RCA डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं पर भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर कहीं भी आप उन्हें सेंड मत करना प्लीज़, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर, अगर आप किसी गाड़ी को बेचते हो तो आप प्लेट नंबर है जो उसको रेज करके थोड़ा एडिट करके तब भेजिए, ताकि जो आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी गाड़ी बाइक जो भी है उसको बेच रहे हो और कोई आपसे फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो आप ये याद रखें किसी को भी RC के फ़ोटो सेंड नहीं करना है, किसी को भी बिना नंबर एडिट किए गाड़ी का फ़ोटो नहीं भेजना। अगर आप ऐसा करते हो, किसी को RC के फ़ोटो भेज देते हो या गाड़ी के पूरे पूरे फ़ोटो भेज देते हो, तो गाइस होगा क्या, वो आपके फ़ोटोज़ OLX पर अपलोड कर देगा, वो उसे अपनी गाड़ी बनाकर बेचेगा, जबकि उससे स्कैम और फ्रॉड करेगा, ठीक है गाइस। सॉरी कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट OLX के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी राइट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ गाइस, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।